अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुरु श्री गोरक्षनाथ मंदिर परिसर के वृद्धा आश्रम में आयोजित साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर एवं योग्य आध्यात्मिक शैक्षण कार्यशाला तीसरे दिन भी जारी रहा। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ योग संस्थान एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला के तीसरे दिन प्राणायाम साधना विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कटक उड़ीसा से आए महंत शिवनाथ, योगाचार्य हरि नारायण धर दुबे, योगाचार्य चंद्रजीत यादव, डॉक्टर अभिषेक पांडे सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कटक उड़ीसा से आए महंत शिवनाथ ने कहा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करने का मुख्य साधन शरीर है। शरीर तन, मन, विवेक और आत्मा का समन्वित रूप है। शरीर के इन्हीं भागों को स्वस्थ रखने का विज्ञान योग है और प्राणायाम योग का महत्वपूर्ण आयाम है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कटक उड़ीसा से आए महंत शिवनाथ ने कहा, प्राणायाम पतंजलि योग सूत्र में है। प्राणायाम पतंजलिका, हिरण्य संहिता, शिव संहिता में है। प्राणायाम भगवत गीता में भी है। इसका एक कंपैरेटिव स्टडी मैंने किया है। तो प्राणायाम जो है, प्राणायाम आयुर्वेद नियंत्रण जिस प्रक्रिया से प्राणवायु को नियंत्रित किया जाता है, इस प्रक्रिया का नाम प्राणायाम। प्राण जो है, प्राण हमारे उपनिषद में है, प्राणमय आत्मा, प्राण ही आत्मा है, प्राणमय बलम, प्राण ही बल है, प्राणमय अमृतम, प्राण ही अमृत है, प्राणमय आयु, प्राण ही हमारे आयु, प्राण ही सब कुछ है। जब तक प्राण है शरीर में, तब तक मनुष्य जीवित है। प्राण शरीर छोड़ देने से मनुष्य मृत हो जाता है, उनका मरण हो जाता है। तो प्राणायाम जो है, महर्षि पतंजलि योग सूत्र में चार सूत्र है। प्राणायाम का बारे में चार सूत्र है। पहला, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास संयोग गति विच्छेद प्राणायाम। दूसरा, मायाभ्यंतर स्तंभ वृद्धि काल संख्या, काल स्थान काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म। तीसरा, बाह्यातंत्र सापेक्ष चतुर्थ प्राणायाम। मैंने उस दिन कहा चतुर्थ प्राणायाम का कोई नाम नहीं है, पतंजलि ने कहा चतुर्थ प्राणायाम है। और प्राणायाम का जो फायदा है वो करेगा है, पतंजलि ने कहा प्रकाशावरण तुम होगा, सूर्य वेगन उज्जैन शीतली चित्री भद्रिका रामरी मूर्छा आदि, ये आठ प्रकार प्राणायाम पतंजलि में है। ये आठ प्रकार के प्राणायाम से विभिन्न प्रकार के रोग बीमार दूर होता है। पटचक प्रतिमिका में स्वात्मा राम जोगिंद्र ने कहा प्राणायाम युक्त है ना सर्व रोग क्षय। यदि आप आसन नहीं कर सकते हैं, प्राणायाम को प्राणायाम द्वारा सर्व रोग क्षय और सर्व संस्कृत है, सब प्रकार के रोग बीमार ये प्राणायाम द्वारा दूर हो जाता है। आसन से होता है, आसन में रुचि होती। गुरुनाथ जी ने कहा, पतंजलि कभी नहीं कहा आसन से रोग दूर होता है। पतंजलि का आसन का विस्तृत व्याख्या नहीं किया, पतंजलि सूत्र रचन किया, सूत्र में विस्तार रूप से व्याख्या करना संभव नहीं है। पतंजलि ने सूत्र लिख दिया स्थिर सुखम आसन, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठने से आसन होगा। लेकिन आसन कैसे करना है, इसका टेक्निक क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, पतंजलि कुछ नहीं कहा। पतंजलि सही होगी ये तो सत्ता में ये पतंजलि जो नहीं है, पतंजलि का जो
ये हटदम संविधान है, केरला संविधान है, शिव संविधान है, गोरखनाथ जी का साहित्य मिलता है। ये हटदो का साधना है, गुरु का साधना है। ये सत्कर्मणा स्वधर्म जो सत्कर्म द्वारा शरीर स्वधर्म हो जाता है, बाहर अजम नारी विशुद्ध हो जाता है, स्वधर्म हो जाता है। ये नारी स्वधर्म के लिए शरीर हल्का होने के लिए शरीर में जितने प्रकार के विषाणु है, बात प्रीत कल्प का जो दोष है, प्राण अपान समान ज्ञान उदान पंच प्राण का जो वैषम्य है, ये सब दूर हो जाता है सत्कर्म द्वारा। प्राणायाम से ये पंच प्राण पंचो वायु का अंदर वैषम्य दूर हो जाता है, साम्य अवस्था स्थापित होता है। बात पीत कफ ये तीन जो दोष है इसका भी निवारण हो जाता है। अच्छा, तो ये जो पंच प्राण का प्राणायाम से पंच प्राण प्रभावित होते हैं, तो प्राणायाम में भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अपाने ज्योति प्राणम प्राणपाने तथा परे प्राणपान गतिरुत्वा प्राणायाम परायण अपाने ज्योति प्राणम अपान वायु में प्राण वायु को आहुति करते हैं। अपाने ज्योति प्राण प्राणपाने तथा परे प्राण में अपान वायु को आहुति करते हैं, अपान में प्राण वायु प्राण में अपान वायु को आहुति करते हैं। आज के सब्जेक्ट था प्राणायाम, प्राणायाम के ऊपर चर्चा हुई है। प्राणायाम ऐसा के सब्जेक्ट हैं योग शास्त्र में, यम नियम आसन प्राणायाम, हाँ प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग में प्राणायाम है, हठ योग में भी प्राणायाम है। तो हठ योग में प्राणायाम के ऊपर ज़्यादा गुरुत्व दिया गया है। तो प्राणायाम जो साधना है हठ योग में 8 प्रकार के प्राणायाम हैं, सूर्य भेदन उज्जयी शीतली शीतकरी तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी तष्ट कुंभका। सूर्य भेदन उज्जयी शीतली शीतकरी भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा ये 8 प्रकार के प्राणायाम हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा 4 प्रकार के प्राणायाम हैं, पूरक प्राणायाम, रेचक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, चतुर्थ प्राणायाम। ये प्राणायाम से ये महर्षि का जो प्राणायाम है, गोरखनाथ का जो 8 प्रकार के प्राणायाम है, ये प्राणायाम का लक्ष्य होता है शरीर का दोष बात पीत कफ का जो त्रिदोष होता है, ये दोष को निवारण करता है प्राणायाम। और इसके साथ प्राण अपान समान व्यान उदान पंच प्राण का जो वैषम्य आता है इसको दूर करने के लिए प्राणायाम एकांत आवश्यक है। हम संदेश दिया जो प्राणायाम से रोग बीमार दूर होता है, प्राणायाम यानी युक्त न सर्वरोग क्षय भवत हठयोग प्रदीपिका में प्राणायाम से रोग दूर होता है। यदि आसन अभ्यास नहीं कर पाएंगे तो प्राणायाम अभ्यास करो, प्राणायाम से अनेक रोग बीमार दूर हो जाता है। तो प्राणायाम से शरीर सुस्त रहता है, रोग बीमार दूर होता है, कुंडलिनी जागृत होता है, मन भी स्थिर होता है। प्राण और मन का संपर्क बहुत निविड़ संपर्क है, प्राण चंचल होने से मन चंचल होता है, मन चंचल होने से प्राण भी चंचल होता है। तो इसीलिए प्राणायाम द्वारा मन को स्थिर किया जा सकता है।